जय मां लक्ष्मी, जय जय श्री मां। दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन में स्वागत है। दर्शकों, अगर आप सदा संपन्न रहना चाहते हैं, आप कभी आर्थिक रूप से परेशान होना नहीं चाहते, तो प्रकृति आपको समय समय पर सिग्नल देती है, सूचना देती है कि जरा सा मुड़कर ये काम कर लीजिए, आपका आर्थिक जीवन संपन्नता से भरा रहेगा। ऐसी ही क्रिया आज मैं लेकर आया हूँ, जो बड़ा ही चमत्कारी और अनुभूत प्रयोग है। आप इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो जीवन भर आपको आर्थिक संपन्नता में ही आपका जीवन कटेगा। पूरा आजीवन दिन दूना रात चौगुना आप तरक्की करते चले जाएंगे। दर्शकों, उपाय बताने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो जैसे मैं डालूं वैसे तुरंत ही आपको प्राप्त हो। अगर हमारे बताए हुए उपाय आपको अच्छे लगते हो तो आप मित्रों में भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। दर्शकों, आइए अब आपको मैं सीधे उपाय के ऊपर ले चलता हूं। आप देखेंगे कि मेरा उपाय, ये जो मैं बता रहा हूं, मेरे द्वारा किया गया है, चमत्कारिक है, अनुभूत है। हमने फायदा उठाया, हमने जिस चीज को बताया सबने फायदा उठाया, आज पब्लिकली हम आपको बता रहे हैं। दर्शकों, आदमी जब यात्रा पर जाता है, जब आप कहीं यात्रा पर निकले हैं और किसी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए निकले हैं, तो प्रकृति कुछ सूचना देती है। उस सूचना को महसूस करना, उस सूचना को समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसी ही सूचनाओं में आप कभी कभी देखते हैं कि आप घर से निकले, बॉर्डर भी नहीं पार किए, तब तक एक नेवला बाएं से दाहिने या दाहिने से बाएं निकल गई। आप जैसे ही उस नेवला को आप देखें, आपका दर्शन शुभ है। और नेवला अगर बाएं से दाहिने गई तो अत्यंत शुभ है, और बाएं से दाहिने गई तो उसका तो चमत्कार कहना ही नहीं। दाएं से बाएं गई तो भी शुभ है, और बाएं से दाएं गई तो चमत्कारिक लाभ होने वाला है। दोनों ही परिस्थिति में आपको उस तुरंत रुक जाना है, और नेवले के पैर के नीचे की आप थोड़ी सी मिट्टी उठाकर और अपने रुमाल में या पर्स में डालकर आप घर वापस आ जाएं। वापस आने के बाद आप अपने पूजा स्थल में लाल कागज पर उस मिट्टी को रख दें, और पूजा स्थल पर सामने रखकर आप आसन लगाकर बैठ जाएं। दर्शकों, आप उपाय को ठीक से समझें। लाल कागज पर उस मिट्टी को रखना है, पूजा स्थल में रखकर आसन पर बैठ जाएं। आपने 11 अगरबत्ती लगानी है, तीव्र खुशबू की अगरबत्ती लगाइएगा, 11 अगरबत्ती आप लगाइए। आप दीपक लगाइए और उस आसन पर बैठकर आप लक्ष्मी जी की आराधना प्रारंभ करिए। लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करना प्रारंभ करिए। इसमें आपको गिनती की जरूरत नहीं है। जब तक अगरबत्ती जल रही है तब तक आप लक्ष्मी मंत्र का, लक्ष्मी के बीज मंत्रों का, या जो भी मंत्र आपको याद है उन मंत्रों में से किसी मंत्र का तब तक जाप करिए जब तक अगरबत्ती ठंडा ना हो जाता है।
जब अगरबत्ती ठंडा हो जाए तो उसी लाल कागज में उस मिट्टी को बांध लें और लाल रेशमी थैले में रखकर आप अपने धन रखने के स्थान पर इस मिट्टी को रख दें। दर्शकों, यह मिट्टी रखी नहीं कि चमत्कारिक रूप से आपके घर में इन आय की स्रोत खुलना प्रारंभ होंगे और आय दिन दूना रात चौगुना बढ़ती चली जाएगी, और जिसकी आय दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी उसकी दौलत बढ़ेगी, मतलब माँ लक्ष्मी अस्थाई रूप से आपके घर में निवास स्थान बना लेगी। इस नेवले को आपने सांप को मारते देखा होगा, सांप नेवले की लड़ाई प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते थे कि नेवले के पैर में मां लक्ष्मी का निवास स्थान है? यह नहीं जानते थे, आज मैंने बताया, आप इस उपाय को आजमा कर देखें। फिर मिलेंगे अगले किसी अन्य उपाय के साथ। जय जय मां लक्ष्मी, जय जय श्री लक्ष्मी मां, जय जय श्री मां।